हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2020 की सीरीज से 2020 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं उससे पहले इस वीडियो को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह 2020 की सभी नियुक्तियों का एक मास्टर वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके आल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, नैस कैम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो नैस कैम संस्था के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है UB प्रवीण राव को। नैस कैम क्या है? तो नैस कैम भारत में जितनी भी IT और सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनका एक ट्रेड एसोसिएशन है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दो है, हुडको के नए CMD अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुडको के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है शिवदास मीना को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं हुडको के नए CMD शिवदास मीना। हुडको, जिसका पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो USA के क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के क्रिकेटर जे अरुण कुमार को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं कर्नाटक राज्य से भारत के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जे अरुण कुमार, इन्हीं को अमेरिका देश की क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर चार है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है TS त्रिमूर्ति को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं भारत के स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में, जिनका नाम है TS त्रिमूर्ति। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस TS त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरिस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल पे इंडिया, जो कि एक भारतीय डिजिटल पेमेंट ऐप है, इन्होंने अपने सलाहकार यानी कि एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया है शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा जो कि एक्सिस बैंक की पूर्व CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को। अब हम जानते हैं कि लोक लेखा समिति क्या होती है। तो सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी का जो लेखा जोखा है ये रखा जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है, CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBSE बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, CBSE के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा, CBSE जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1962। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वी विद्यावती को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं वी विद्यावती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई थी एक इंग्लिश के द्वारा, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम, इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय है नई दिल्ली।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है दिलीप उमेन को। जो भारतीय इस्पात संघ है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो विश्व इस्पात संघ है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और वर्तमान में विश्व इस्पात संघ के भी जो चेयरमैन और एमडी हैं वह एक भारतीय हैं जिनका नाम है सज्जन जिंदल, जो कि JSW स्टील कंपनी के मालिक हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गोविंद रजालू चिंटाला को। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, मुख्यालय है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है कार्मेन रेन हार्ट को। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है कार्मेन रेन हार्ट। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में, स्थापना हुई थी 1944 में, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास जो कि अमेरिका देश से हैं। वर्ल्ड बैंक की MD और CFO यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत जो कि रुड़की उत्तराखंड से हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, वर्तमान में WHO के हेड हैं टेड्रस आधानोम जो कि इथोपिया देश से हैं। WHO की वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट एट WHO हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो कि एक भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुण सिंघल। अगला क्वेश्चन है, विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO व MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विप्रो कंपनी जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, इसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है थियरी डेला पोटे को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। विप्रो कंपनी के मालिक हैं अजीम प्रेम जी। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो NDB के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मार्कोस टायोजो को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है मार्कोस टायोजो जो कि ब्राजील देश से हैं। NDB बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो कि भारत में सभी जो व्यापारी हैं उनका एक संघ है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उदय कोटक को। उदय कोटक जो कि महिंद्रा कोटक बैंक के MD CEO तथा फाउंडर हैं, इन्हीं को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन जो कि अमेरिका देश की सबसे बड़ी शोध संस्था है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, जिसके मुख्य निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, इन्हीं को अमेरिका देश की प्रमुख जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शोध संस्थान है उसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है वसीम जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं।
आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रणजी प्लेयर वसीम जाफर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, जो कि भारत में क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है, तो बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एशियाई विकास बैंक के न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के अशोक लवासा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अशोक लवासा, इन्हीं को एडीबी बैंक के न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। एडीबी बैंक जिसका मुख्यालय फिलीपींस देश में। अगला क्वेश्चन है, नोएडा स्थित आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अपनी नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो एचसीएल कंपनी की नई अध्यक्ष बनी है रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर मल्होत्रा एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी की नई अध्यक्ष बनी है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, इन्हीं को एचसीएल कंपनी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एचसीएल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं सी विजय कुमार, मुख्यालय है नोएडा और इस कंपनी के संस्थापक हैं शिव नादर, और जो शिव नादर हैं इन्हीं की बेटी हैं रोशनी नादर। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नंबर के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है शशिधर जगदीशन को। इससे पहले थे आदित्य पुरी जो कि अब रिटायर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम मनी ने कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है, तो पेटीएम मनी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वरुण श्रीधर को। पेटीएम जो कि भारत की एक ई कॉमर्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, पेटीएम कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश। पेटीएम कंपनी की पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। अब आपको पेटीएम कंपनी की दो अन्य कंपनियों के नाम याद रखना है, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं विनीत अरोरा, पेटीएम मनी कंपनी के एमडी और सीईओ हैं वरुण श्रीधर, और जो पूरी पेटीएम कंपनी है उसके एमडी और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। तो चार नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। यूपीएससी क्या है, तो यूपीएससी भारत में सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो कि भारत में ए और बी कैटेगरी की जो सर्विस हैं आईएएस आईपीएस पीसीएस उनकी रिक्रूटमेंट बॉडी है जिसका नाम है यूपीएससी। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जो कि भारत की एक प्रीमियर न्यूज एजेंसी है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अवीक सरकार को। क्वेश्चन नंबर 28 है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है एम ए गणपति को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एम ए गणपति। अब हम जानते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो क्या है, तो भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं एयरपोर्ट हैं उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये दी गई है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को, जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर बात की जाए हवाई अड्डों की सिक्योरिटी की तो इसकी जिम्मेदारी है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को ही, लेकिन अगर बात की जाए
हवाई अड्डों के संचालन और मैनेजमेंट की, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेलवे बोर्ड में पहले होता था रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, अब जो चेयरमैन है उसका नाम बदल दिया गया है, अब उसका नया नाम कर दिया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO। तो रेलवे बोर्ड के नए CEO बने हैं विनोद कुमार यादव, जो कि पहले थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसे शॉर्ट में बोलते हैं SAM। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है केनिची आयुकावा को। केनिची आयुकावा जो कि वर्तमान में मारुति सुजुकी कंपनी के MD और CEO हैं, जो कि जापान देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका नाम है बिंकेश गुलाटी। बिंकेश गुलाटी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत में थिएटर के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि नई दिल्ली में है। इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है एक्टर परेश रावल को। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL का नया प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड जो कि एक सरकारी कंपनी है, इसके नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है रजत सूद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TRAI के नए अध्यक्ष बने हैं PD बघेला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां जैसे Jio, वोडाफोन, Idea जो कि मर्ज हो के VI हो गया है, इसके अलावा टाटा डोकोमो, VSNL, इन सभी की जो रेगुलेटरी बॉडी है ये है TRAI। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जिसे हम PMC बैंक के नाम से जानते हैं, तो PMC बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो PMC बैंक के घोटाले को लेकर पूरा साल 2020 बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही है, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है PMC बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है AK दीक्षित को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, एक दूसरी बैंक है एस बैंक भी 2020 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। एस बैंक जिसको SBI ने खरीद लिया है, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, SBI बैंक के नए CEO बने हैं प्रशांत कुमार। तो ये दो बैंक के आपको रटी होनी चाहिए, एस बैंक के नए CEO प्रशांत कुमार और PMC बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है AK दीक्षित को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल धस्माना को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे हम फिक्की के नाम से जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि भारत में सभी जो उद्योग हैं उनके एक फोरम है, संस्था है, एक संगठन है, जिसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संगीता रेड्डी को। संगीता रेड्डी जो कि अपोलो कंपनी के MD हैं। फिक्की संस्था का मुख्यालय है नई दिल्ली। जिस प्रकार से CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री NASSCOM, उसी प्रकार से फिक्की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C।
अब आपको चार या पांच सचिव के नाम याद रखना जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कौन कौन से? भारत के कैबिनेट सचिव जो कि वर्तमान में है राजीव गाबा, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, भारत के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और व्यापार के सर्वोच्च संगठन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसे हम असोचैम के नाम से जानते हैं, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो असोचैम भी फिक्की और सीआईआई जैसे एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उद्योगपति निरंजन हीरा नंदानी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल हेल्थ कमीशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 42 है, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को। अगला क्वेश्चन है, नोकिया कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नोकिया कंपनी जो कि फिनलैंड देश की नोकिया कंपनी है इसके नए सीईओ बने हैं पेका लुडमार्क। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बजाज ऑटो कंपनी के निदेशक राकेश शर्मा को जो कि एक भारतीय हैं। इंटरनेशनल मोटर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 45 है, FTII के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FTII के गवर्निंग चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। FTII जो कि भारत में फिल्म और टेलीविजन का एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। FTII का कैंपस है पुणे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हीरो मोटोकार्प ने अपना निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो हीरो मोटोकार्प जो कि भारत की सबसे बड़ी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी है इन्होंने अपना निदेशक के रूप में नियुक्त किया है भारत के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष BS धनोवा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। हीरो मोटोकार्प कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके MD और CEO हैं पवन मुंजाल। अगला क्वेश्चन है, SBI ने अपना CFO यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो SBI के नए CFO के रूप में नियुक्त किया गया है चरणजीत सिंह आत्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1955 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। 1955 से पहले SBI का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI बैंक के ऐप का नाम है योनो जिसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD व CEO के रूप में नियुक्त किया गया है जे वेंकट रमू को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है M राजेश्वर रॉय को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं RBI के नए डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर रॉय। जो RBI है भारत का इसमें एक होता है गवर्नर और इसके नीचे चार होते हैं डिप्टी गवर्नर। वर्तमान में RBI के चार डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? MD पात्रा, BP कानूनगो, MK जैन, M राजेश्वर रॉय, ये हैं RBI के चार डिप्टी गवर्नर। जबकि वर्तमान में
आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी, जो कि कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है, इसके नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज कुमार को। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, एएमएफआई एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एएमएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नीलेश शाह को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं नीलेश शाह, इन्हीं को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के मंत्री थे रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनकी जगह पर इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल को, जो कि भारत के रेल मंत्री हैं। तो आपको याद रखना है, रामविलास पासवान जी, जो कि उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री थे, इनका निधन हो गया है, जिसके बाद इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रेल मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को। इसके अलावा एक मंत्रालय का नाम और आपको याद रखना है, हरसिमरत कौर बादल, जो कि फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी, इन्होंने कृषि जो बिल आया है उसके विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भारत के नए फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के थे मानव संसाधन विकास मंत्री, लेकिन अगस्त 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इसका नया नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, अभी भारत के बन गए हैं शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनेस्को के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं विशाल वी शर्मा, इन्हीं को यूनेस्को में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, वर्तमान में यूनेस्को की अध्यक्ष हैं आंद्रा अजोले, मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945। इसके अलावा दो नाम और आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टी एस त्रिमूर्ति, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत बनाए गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है राज किरण राय जी को। राज किरण राय जी, जो कि वर्तमान में यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं, इन्हीं को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1946। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो एनटीपीसी के जो सीएमडी गुरदीप सिंह हैं, इनका कार्यकाल वर्ष 2025 तक, यानी कि अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। एनटीपीसी, जो कि भारत की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि पीएसयू कंपनी है, एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 57 है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये 2020 में पहली बार पोस्ट क्रिएट की गई है। इस पोस्ट के लिए पहली बार नियुक्त किया गया है आर्मी चीफ, पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, ये भारत की तीनों सेनाओं के ऊपर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत सरकार का जो सूचना आयोग है उसके हेड को बोलते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, जिसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। तो ये थी 2020 की जनवरी से लेकर अब तक की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। अगर कोई अपॉइंटमेंट बच गया है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।